हेलो स्टूडेंट, आज हम जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्वेरियम रिव्यू क्वेश्चन हम करेंगे। 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें करना है डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये चार रिएक्शन हम दिए हैं, वन बाय वन हर एक को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा ये फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला है COCl2, ठीक है। जब ये डिकम्पोज होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस बन जाती है। केसी जैसे आपको पता है कि हम निकालते हैं प्रोडक्ट, ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे रखते हैं, ठीक है। जब इसकी यूनिट इसका निकालना होगा तो हम देखेंगे कितने कॉम्पोनेंट है, जितने नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट है इतनी ही दफ़ा हम यूनिट लिखेंगे। एक यूनिट हमारा आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का और एक हमारा आएगा क्लोरीन का। और जो हमारा रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन गैस COCl2, तो इसके लिए हम लगाएंगे। अगर हम देखें तो मोल रेशो 1 ही बन रहा है, कहीं पे भी कोई मोल रेशो नहीं है तो हम उसको मेंशन करेंगे। अगर मोल रेशो होता तो हम उसको एक्सपोनेंट की सूत्र में सॉल्व करते हैं। ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यूनिट आएगा केसी का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बोथ आर प्रेजेंट द डायटोमिक फॉर्म, ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। तो ये जब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो ये टू मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके केसी लिखेंगे, प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन आयोडाइड, या हमने लिखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और ये टू मोल भी मिलता है तो इसलिए हमने टू को एज ए एक्सपोनेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। रिएक्टेंट दोनों 1-1 मोल शो करता है तो हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट मेंशन कर दिया। अब जब हम इसके यूनिट निकालेंगे तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, तो हमने ये बाहर 2 लिख दिया, इट मीन्स के दे आर प्रेजेंट इन 2 मोल है। और हाइड्रोजन के लिए हमने यूनिट लिखा और आयोडीन का, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 ये से और 1 इस तरह से, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट, राइट। अच्छा, तीसरी इक्वेशन जो हमारी है ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की है और प्रोडक्ट में हमें वाटर मिलता है। अगर हम मोल रेशो देखें तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो मोल रेशो है वो 2:1 का है और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। हम इसको केसी जब निकलते हैं तो प्रोडक्ट हमारा है वाटर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल एंड 2 जो हमारे पास हैं वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसका यूनिट लगाएंगे जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये मौजूद है, इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमने यूनिट लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वाटर के भी 2 हैं और हाइड्रोजन गैस के भी 2 हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो यूनिट बना वो 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब बना। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मोल पर मोल और डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करें, लास्ट वाला जो हमारा थर्ड वाला है ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बारे में। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें तो जो रेशियो है रिएक्टेंट में वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 1:2 का है और प्रोडक्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। कंसंट्रेशन लिखेंगे केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है, हमने एक्सपोनेंट में शो कर दिया। नाइट्रोजन 1 ही मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन गैस के 2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी हमने एक्सपोनेंट में शो कर दिया। अब जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसको हम मोल रेशियो में मेंशन कर देंगे। तो हमने इसका इसके लिए लिखा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए यूनिट और इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया क्योंकि 2 मोल हमें मिल रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन 1 मोल है और ऑक्सीजन जो है हमारे पास 2 मोल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास भी ये 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब आता है। इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो हमारे पास पर मोल डेसीमीटर क्यूब आता है। ओके, कि आपको अब जो है केसी लिखना और यूनिट कैलकुलेट करना अच्छी तरह से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो है स्टेट द वेज दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज। हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो किस साइड पे शिफ्ट है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम मालूम कर सकते हैं या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट,
एट रेगुलर टाइम इंटरवल, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर हम उसको चेक करें रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हीलियम किस साइड पे शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, व्हेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑब्जर्व। लेकिन ये उस वक्त किया जाएगा जब कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कांस्टेंट होता है। द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। दिस कैन बी डन बाय बोथ फिजिकल मैटर एट वेसल एज वेल एज केमिकल मैटर। हम इसको फिजिकल मैथड से भी कर सकते हैं और केमिकल मैथड से भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको टाइट्रेशन परफॉर्म कर लें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना कॉन्टेंट है। इसी तरह हमारे पास एक और मैथड होता है, वो भी फिजिकल मैथड होता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ठीक है। टाइट्रेशन तो केमिकल मैथड हो गया, फिजिकल मैथड में हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट पास करके, तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्टेंट की क्वान्टिटी कितनी है और प्रोडक्ट की क्वान्टिटी कितनी है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये हमने स्टार्टिंग में किया था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इक्विलिब्रियम। एक्चुअली हमें इसमें देखना पड़ता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमें अच्छी तरह से पता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है वो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इनिशियली जो इसकी क्वान्टिटी होती है वो रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा होती है और जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाता है। अगर हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है कि ये राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस रिएक्टेंट दोबारा कर लेता है यानी कन्वर्ट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी इनिशियली ज़ीरो होती है लेकिन ग्रेजुअली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जाता है, राइट। ओके, थैंक यू।